है रियल जूस, ऐसे करके पतीले का अंडे में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। घर में अंडा आता है, ये है पत्थर का जैसा। अभी अभी आपने देखा कि कैसे भारतीय सैनिक रोजमर्रा की चीजें जैसे अंडा कांदा वगैरह को खाने के लिए उनको काटने के बजाय हथौड़े से तोड़कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कौन सी जगह है जहां हमारे सैनिकों को जीवित रहने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है? वो है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान। एक ऐसी जगह जहाँ ठंड को भी ठंड लग जाए, जहाँ देखो वहां बर्फ ही बर्फ नजर आए, जहां की ठंड से पूरा शरीर सुन्न पड़ जाए और सूरज का कोई नामोनिशान भी ना नजर आए। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारे सिपाही -70 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में भी हमारे देश की रक्षा में खड़े रहते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हमारे देश के वीर सिपाही सियाचिन में जिंदा रहते हैं। सियाचिन दुनिया का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर को गुलाब की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्टिस्तान के पास वाले इलाके की बाल्टी भाषा में सिया का मतलब होता है गुलाब और चुन्न का मतलब होता है ज्यादा। बेशक वहां जीवित रहना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि -70 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना ठंडा होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सियाचिन में अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है। यहाँ सांस लेना भी किसी नरक से कम नहीं। वैसे सियाचिन की ठंड में देश की रक्षा करना कोई हलवा खाने का काम तो नहीं है। हमें अगर वहाँ एक सेकंड के लिए भी छोड़ दिया जाए तो नानी क्या, हमें अपनी 7 पुश्तें भी याद आ जाएंगी। सियाचिन में 80 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। सियाचिन हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत में स्थित है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं। हमारे जवानों को इतनी भीषण ठंड वाले इलाके में क्यों तैनात किया गया है, ये जानने के लिए हमें जाना होगा 80 के दशक में, जब पाकिस्तान की नजर 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए सियाचिन ग्लेशियर पर थी। क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि सियाचिन ग्लेशियर के जरिए भारत पर नजर रखना कितना आसान है। पाकिस्तान ने यूरोप को बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले कपड़े और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया था। इस जानकारी से सेना एकदम चौकन्ना हो गई और 13 अप्रैल 1984 को सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। ये ऑपरेशन काफी मुश्किल था, क्योंकि भारत की ओर से चढ़ाई ज्यादा थी और पाकिस्तान की ओर से ऊंचाई काफी कम थी। फिर भी भारतीय सेना ने -60 से -70 सेल्सियस तापमान में भी जीत हासिल की और पाकिस्तान को मात दे दी। सियाचिन पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। अगर पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा कर लेता तो हमारे लिए मुश्किल और बढ़ती, क्योंकि ये दोनों देश एक होकर भारत पर हमला कर सकते थे। लेकिन इस कठोर भूभाग पर अब भारत का नियंत्रण है। सियाचिन बहुत ऊंचाई पर है और पाकिस्तान भारत को सैन्य रूप से चुनौती नहीं दे सकता, और भारतीय सेना इन दोनों देशों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी पहले भारतीय सैनिक बने जिन्होंने सियाचिन के भयानक ठंडे क्षेत्र में पहली बार कदम रखा। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से 24,000 फीट ऊपर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सैनिकों को समुद्र तल से लगभग 5,700 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर सक्रिय रहने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां का बर्फीला तूफान कम से कम 3 सप्ताह तक चल सकता है। इस ऊंचाई पर हवाएं बहुत कम समय में 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि क्षेत्र में वार्षिक बर्फबारी 90 मीटर से अधिक हो सकती है। इसलिए बर्फीले तूफान के दौरान सैनिकों को लगातार फावड़े का उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही कम समय में सैन्य चौकी गायब हो सकती है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई सैनिक तो नींद में ही मर जाते हैं। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 2011 से 15 तक कितने सैनिकों की मौत सियाचिन में हुई। दोस्तों, मुझे तो सुनकर ही ठंड लग रही है। हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ तैनात सैनिक कैसे जिंदा रहते होंगे। इतनी ठंडी में हमारे सैनिकों को कभी कभी 30 से 40 किलोग्राम वजन उठाकर 20 से 28 दिनों तक 128 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा करते वक्त सैनिक एक दूसरे से रस्सी से बंध जाते हैं, ताकि एक भी सैनिक रास्ता भटक कर इधर से उधर ना हो जाए। ज्यादातर समय 6 सैनिकों को एक फाइबर ग्लास से बने इग्लू में एडजस्ट होना पड़ता है, जो सामान्य किंग आकार के बिस्तर जितने ही होते हैं। वहां पर गर्म रहने के लिए केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। खाने की बात की जाए तो जब तक हेलीकॉप्टर से वहां खाना पहुंचता है, तब तक तो वह जमकर पत्थर जैसा बन जाता है। सेब जैसे फल को अगर थोड़ी देर रखा जाए तो वह पत्थर जैसा कठोर हो जाएगा। उन्हें खाने के लिए जमे हुए अंडे, प्याज, अदरक मिलते हैं, जो इस हद तक जमे हुए होते हैं कि उन्हें काटा नहीं जा सकता और उन्हें हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। सियाचिन में सैनिकों को खाना पैक करके दिया जाता है, जिसे पानी में उबालकर पकाया जाता है। सेना जवानों को चॉकलेट, गुड़, चिक्की जैसी चीजें दी जाती हैं, ताकि उनके शरीर की गर्माहट बनी रहे। वहां सबसे बड़ी मुसीबत है खाना बनाना। चावल पकाने के लिए प्रेशर कुकर की 21 सीटियां लगानी पड़ती हैं।
हालांकि सेना की तरफ से हर सैनिक को हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, लेकिन वहां कोई भी उसे नहीं खाता क्योंकि वहां किसी को भूखी नहीं लगती। बहुत से सैनिकों की त्वचा का रंग भी काला पड़ जाता है। वहां तैनात अधिकतर सैनिक नींद न आने की शिकायत करते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि नींद न आने का मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी होना है। सेना के पायलटों को बहुत ऊंचाई पर स्थित सैन्य बैरकों में सामान पहुंचाने के लिए लगभग हर दिन हेलीकॉप्टरों की हाईएस्ट लिमिट से परे उड़ान भरनी पड़ती है। दुश्मन सेना केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर होने के कारण पायलटों के पास खाने का सामान छोड़ने के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता है। वहां पे पीने के पानी की सुविधा नहीं होती। सैनिक बर्फ पिघलाकर उसी पानी को पीने, नहाने और बाकी कामों के लिए यूज करते हैं। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पाकिस्तान सियाचिन के रास्ते भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। सियाचिन में लड़ाई करने से कम और वहां की ठंड से हमारे सिपाहियों की ज्यादा मौत होती है। 1984 में कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण सियाचिन में 33 अधिकारियों सहित 869 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, और यह हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री इंद्रजीत सिंह ने 2015 में लोकसभा को पत्र लिख करके कहा था। कहानी तो अभी शुरू हुई है दोस्तों। वहां पे सिर्फ खाने की ही दिक्कत नहीं होती, वहां पे तैनात होने वाले सैनिकों की भी बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सैनिकों को सियाचिन में रहने के लिए 5 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कुछ दिनों तक उन्हें कश्मीर में माउंटेनर बन के रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसके बाद उन्हें सियाचिन बेस कैंप में लाया जाता है, जहां उन्हें ऐसी जलवायु में जीवित रहने के लिए शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल या हॉस, ये भारत सेना की ट्रेनिंग स्कूल है। बर्फ और बर्फबारी और अत्यधिक ऊंचाई वाले वातावरण में विशेष अभियानों के लिए सैनिकों को तैयार करने में माहिर है। इसके परिसर में एक अलग दुनिया है जो मानव शरीर और आत्मा को परीक्षा में डालती है। ट्रेनिंग के पहले सप्ताह में पीठ पर थोड़ा भार लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर की छोटी पैदल यात्रा शामिल होती है, जो जल्द ही 2 सप्ताह के बाद 5, 10 और 15 किलोग्राम तक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि दूरी बढ़ने और छात्रों को स्कीइंग से परिचित कराया जाता है। अपने जीवित रहने के कौशल के अलावा 72 घंटों के लिए छोड़ दिए गए छात्र या तो इग्लू या पेड़ के आश्रय में डेरा डालेंगे। एक मुश्किल हफ्ता होता है। सैनिकों को फंसे होने की स्थिति में जीवित रहने की तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बर्फ से रहने के लिए बनाना, मदद के लिए संकेत देना और पानी का स्रोत बनाना शामिल है। हथियार और युद्ध प्रशिक्षण, सैनिकों को ठंडी परिस्थितियों में हथियारों के उपयोग पर विशेष परीक्षण प्राप्त होता है। इन सैनिकों को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हाथ में छड़ी पकड़कर माउंटेन पर चढ़ने को बोला जाता है। कभी कभी हमारे सैनिकों को जान जोखिम में डालकर गहरी खाई भी पार करनी पड़ती है, जिनको वो किसी लकड़ी या सीढ़ी के सहारे पार करते हैं। इतनी भीषण ठंड के माहौल में दुश्मनों से हमारी रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिदिन कई करोड़ रुपए खर्च करती है। भारत ने इन सैनिकों के लिए विशेष कपड़ों और पर्वतारोही उपकरणों के लिए अब तक 7500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सियाचिन के तैनाती के दौरान हर सैनिक को दी जाने वाली किट का मूल्य औसतन 1 लाख रुपए होता है। उसमें से 28,000 रुपए खास कपड़ों, 13,000 रुपए विशेष स्लीपिंग बैग, 14,000 रुपए दस्तानों और 12,500 रुपए जूतों के लिए जोड़ों पर खर्च होते हैं। हमारे सेना के जवान यहाँ की बर्फबारी में भी खुद को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, सियाचिन में सेना का काम हर किसी के लिए सराहनीय है। हमारे जवानों का समर्पण और उनका त्याग बहुत प्राउड फील करवाता है। उनकी अद्भुत ताकत और साहस को सलाम है। हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।